भोपाल में एक ही भूखंड दो लोगों को बेचकर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है, जहां प्रमोद कुमार दाहिया उर्फ मोदी पुत्र लक्ष्मी चंद्र के खिलाफ पिपलानी थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का केस पंजीबद्ध हुआ है। दरअसल प्रमोद कुमार के पास पिपलानी स्थित MOS पाल ग्राम के पीछे इंदिरा नगरी गृह निर्माण सहकारी संस्था में आरोपी के स्वामित्व में भूखंड क्रमांक 43 था, जिसको उसने पहले तो खरीदार आशीष द्विवेदी को बेचा और उनसे 9,40,000 रुपए ले लिए। वहीं पंजीयन कराए बिना ही प्रमोद ने यूनियन बैंक में भी प्लॉट पर 30 लाख का लोन ले लिया और फरार हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी शीघ्र ही पुलिस की पकड़ में होगा। आरोपी का नाम है प्रमोद कुमार दहिया और धोखाधड़ी ये की है कि जिस भूखंड को उसने मुझसे रुपए लेके मेरे साथ एग्रीमेंट किया कि मैं आपको भूखंड दूंगा, उसी भूखंड को कुछ समय उपरांत में बैंक में बंधक रख के और 30 लाख रुपए बैंक से भी ले लिए। अब ना इसने हमें दिया भूखंड और बैंक की जानकारी मुझे नहीं है, हो सकता है बैंक को भी ना मिला हो रुपया, और ये रुपया लेके अब हमारे साथ धोखाधड़ी की है, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना पिपलानी में की है और इस पर FIR दर्ज की जा चुकी है। पिपलानी थाना अंतर्गत प्लॉट दिखाया गया था, लोकल की एक सोसाइटी है जिसमें इनको 9,60,000 में जो प्लॉट देना था वो प्रमोद दाहिया के द्वारा नहीं दिया गया, 9,60,000 रुपये ले लिए गए। इस तरीके से फरियादी आशीष द्विवेदी से पैसे लेने के बाद भी जब आरोपी के द्वारा वो जमीन नहीं दी गई, जिस पर से प्रमोद दाहिया के विरुद्ध एज पर एविडेंस धारा 420 पदवी की FIR की गई।